बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, जहां भी आप, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मालीज और आप मुझको देख रहे हैं मेरे यूट्यूब के चैनल पे। गाइस, दो दिन पहले नहीं, एक्चुअली कल की बात है, मैं आज जो वीडियो बना रही हूँ अभी आगे निकलेगा, मगर आई थिंक हमारी तरफ फरवरी 2nd थी और आप लोगों की तरफ फरवरी 1st, नहीं आप लोगों की तरफ फरवरी 1st थी, हमारी तरफ 2nd थी, कोई ऐसी ही था भैया। एक दो दिन पहले की बात है, पूनम पांडे की न्यूज आई ट्विटर पे, मुझे दिखता है कि पूनम पांडे की डेथ हो गई। एंड आई वाज लाइक व्हाट व्हाट। अगर आप पूनम पांडे को नहीं जानते हैं, अरे आप लोग सारे इंडियन हो, आप लोग कैसे नहीं जानते पूनम पांडे को, पूनम पांडे सनी, वैसे इंडिया वालों तुम लोगों ने हमको बड़े बड़े टॉप के वो दिए हैं, महिलाएं, हॉट हॉट महिलाएं यार, आई डोंट जज एनीबॉडी। पूनम पांडे है, सनी लियोनी है, वो दूसरी भी है ना, एक और प्रियंका नाम है उसका, क्या नाम है, आई डोंट नो, आई कैंट रिमेम्बर, थैंक यू पाप। एनी हाउ, न्यूज ये आई कि उसकी डेथ हो गई है। अब मैं देखूं एंड आई एम लाइक आई डोंट नो, इट डजंट मेक सेंस, ऐसे कैसे और कैसे डेथ हुई। सुनने में आया कि सर्विकल कैंसर से डेथ हुई। एंड एनीवे, सो लोगों ने रिपोर्ट, आपको तो पता है ना जो चीज ट्रेंड में आती है, लोग कहते हैं जब फौरन फौरन ट्वीट कर दो, फौरन फौरन वीडियो बना लो ताकि फौरन फौरन व्यूज आ जाए। मालीज कहती है ना 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 ना, ना, ना। मैं एक महीने बाद बता दूंगी वीडियो, मेरी तो हमेशा वीडियो लेट ही आती है न्यूज के बाद, मगर मैं इंतजार करती हूँ, पेशेंस रखा करें, क्योंकि मेरा नगेंद्र जो है वो भी मुझे कह रहा था मालीज मालीज पूनम पांडे मर गई मालीज, मैंने कहा सबर करो, आई डोंट थिंक, आई हैव अ फीलिंग, आई हैव अ गट फीलिंग। मालीज के पेट में जो फीलिंग आती है ना अक्सर, और वो 99% मैंने देखा है वो ठीक होती है। जब मेरा गट मुझको इनसाइड फील, जैसे आप कहते हैं ना इंट्यूशन आपकी कुछ बता रही होती है कि दिस इज व्हाट इट इज एंड यू डोंट वांट टू बिलीव इट बट इट्स लाइक इट्स हैपनिंग यू नो, आई रियली ट्रस्ट माय इंट्यूशन, क्योंकि जब जब मुझे ये हुआ है ना वो सही होता है। मैंने कहा नहीं, वेट कर लो, मैंने कहा वेट करो एक दो दिन, न्यूज पे जाइए। सुबह मैं उठी हूँ, सुबह उसका मैसेज आया, मालीज फेक न्यूज थी। मैंने कहा बोला था ना मालीज, मानते हो कि नहीं मेरे को, मानते हो बॉस बेब, मुझे पता होता है, मैंने कहा था ना वो नहीं मरी है, मैंने कहा था ना मेरी कोई सुनता ही नहीं है। मालीज ट्वीट करके कह देती है कि नहीं ये फेक न्यूज है, किसी ने नहीं सुननी थी। खैर एनीवेज, तो अब इसके पीछे थ्योरी क्या है। एनीवेज, मैंने थोड़ा बहुत नहीं सुना था, मगर मुझे पता चला है कि पता नहीं कोई जॉर्ज सोरोस और ये वैक्सीन और इनका कुछ सर्विकल कैंसर का कोई मामला है, तो उसको प्रमोट करने के लिए ये एक न्यूज बनाई थी। यार लानत तुम लोगों की शक्लों पे, मौत की न्यूज बनाकर क्लाउड ले रहे हो, लाना क्या क्या जमाना आ गया यार, मैं कहां जाके हाय हाय करूं, क्या जमाना आ गया यार, सीरियसली लाइक किसी की डेथ के ऊपर आप वो कर रहे हो। अब इसके पीछे किसका हाथ है, किसने करवाया है, क्या नहीं है, कुछ है मुझे नहीं पता, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ड्रामे क्या चल रहे हैं। बस मालीज तो सिर्फ आपको ड्रामे बताने के लिए बैठी है, मालीज को खुद नहीं पता होता कि हो क्या रहा है, और जो हो रहा है वो हम लोगों को ज्यादातर पता नहीं होता है, क्योंकि ये सारी चीजें सीक्रेटली की गई होती हैं, और अगर जो चीज सीक्रेटली की गई हो तो वो आगे कैसे निकलेगी, बाहर कैसे आएगी, राइट। तो हम तो अपनी बुंगियां बनाते रहते, सोचते ही रहते हैं कि शायद ये होगा, शायद वो होगा, शायद यूं होगा, राइट। कंस्पिरेसी थ्योरीज निकलती रहती, कॉमन सेंस से आप जोड़ते जाते हो एक कड़ी को दूसरे से, और लेटली काफी सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज जो है वो वाकई में सच्ची निकलती आ रही है, सीरियसली। तो एनीवेज, मैंने कहा कि ये छोटी सा वीडियो है, मैं आपके लिए बना दूं, आपको बता दूं कि हमारी पूनम बेबी जो है वो जिंदा है, अभी आपको और एंटरटेन करेंगी। एंड आई वांट टू जस्ट से कि देखो, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट जो और लड़कियां काम करती हैं, जैसा भी काम करती हैं, एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल हैं, भैया हिजाब पहनती हैं, डॉक्टर हैं, तो लॉयर हैं, तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट
मैं उनको दे देती हूँ जो सेक्स वर्कर्स हैं या सेक्स की इंडस्ट्री में काम करती हैं या अडल्ट एंटरटेनमेंट में, सॉरी पार्डन माय फ्रेंच, सेक्स वर्कर नहीं बोलूंगी मैं उनको, मैं कहूंगी जो अडल्ट इंडस्ट्री में काम करती हैं, अडल्ट इंडस्ट्री में काम करती हैं। टंग ट्विस्टर। सो क्योंकि नॉट ऑल द टाइम जो आप कर रहे होते हो उसका आपका दिल होता है करने के लिए, ये एक औरत के लिए सबसे मुश्किल काम होता है, टू डू समथिंग सेक्सुअली व्हेन दे डोंट वांट टू डू इट। जब उनसे कोई ऐसा काम करवाया जाए स्पेशली फिजिकली ऐसा जो वो नहीं करना चाहती, सो एंड दे एंजॉय इट एंड नो ऑल द पावर टू देम। मगर मेरी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उधर ही है, क्योंकि उधर ही सबसे ज्यादा लड़कियां टॉर्चर होती हैं, उधर लड़कियों के साथ जो है बहुत सारी हरासमेंट भी होती है, मगर वो रिपोर्ट नहीं कर सकती है क्योंकि लोग तो कहते हैं भाई तुम तो ऐसी लड़की हो, तुम्हारे साथ क्या हरासमेंट होगी, तुम तो वैसी दे रही होती हो, राइट? यही तो थिंकिंग होती है ना उसकी। जैसे कि अगर कोई प्रोस्टिट्यूट है और उसका उसका जाके कोई जिनसी वो कर दे, नाम नहीं बोलना चाह रही हूँ, मगर वो बलात्कार कर दे उसका, तो वो जाके क्या रिपोर्ट करवाएगी? वो जाके रिपोर्ट करवाएगी, पुलिस वाला कहेगा भाई तुम तो एक प्रोस्टिट्यूट हो, तुम्हारे क्या रेप होना है ना। वो अपनी मर्जी से अगर वो करे तो ठीक है, अगर वो अपनी मर्जी से ना करे इट इज ऑल्सो बलात्कार। सो एनी हाउ यही चीज मैं कहना चाहती थी कि आई हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर स्पेशली जो हमारी ऐसी औरतें हैं जो ऐसे बोल्ड काम करती हैं पाकिस्तान या इंडिया में, सॉरी पाकिस्तान में या इंडिया में या साउथ एशिया में, क्योंकि उनको तो सबसे ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, उनको तो नंगा बोला जाएगा, सारे नाम तुम लोग बोलते हो, मगर देखते भी तुम लोग सबसे ज्यादा हमारे साउथ एशियन मर्दी हो, ऑनेस्टली सबसे ज्यादा ठरक आप लोग झाड़ते हो उनपे, मगर सबसे ज्यादा गालियां भी उनको देते हो। बट एनी हाउ आई एम रियली हैप्पी दैट शी इज अलाइव एंड शी इज हियर टू एंटरटेन ऑल ऑफ यू, ठीक है ना? एनीवेज गाइस, इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले भाई अब आप हमको पेपैल, यूट्यूब, पेट्रियन, बाय मी अ कॉफी और कौन सा था, हाँ पेटीएम के थ्रू भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करो गाइस, ज्वाइन करो मेंबरशिप, हमारे इतने मेंबर्स से कहाँ चले गए। हाय एनी हाउ गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। मैंने कहा थोड़ा सा लोगों को मिर्ची लगा के जाओ, बाय। के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।